होंगे सोचो, सर कितनी हम सर्दी अपने है। घर में सो जाते हैं, वो कैसे सोते होंगे। सर ये आप रो क्यों रही हैं, आप तो बहादुर बच्ची हैं। आप बहादुर बच्ची हैं आप, आपको तो बहादुर हूँ, आपको तो देश का पीएम बनना चाहिए। नहीं पीएम नहीं बनूंगी मैं कभी, नहीं राजनीति इतनी बुरी ना, सुनिए भारत बनूंगी ह्यूमन राइट्स लॉयर जो लोगों के लिए सोचता है। मुझे तो कितना पैसा चाहिए, हमें कितना लूटेगा, कितना पैसा चाहिए हमें, हमें यहाँ पर मर रहे हैं, 7-8 बंदे मर चुके हैं यहाँ पर, इसको कुछ नहीं है, इसको पैसे चाहिए, देश मर रहा है, इन सब लोगों ने इनको इसको वोट किया, इसको शर्म नहीं आती क्या। तो देखिए आपके आंखों का पानी मर गया होगा, आप किसी पार्टी में बटे होंगे, किसी जाति में बटे होंगे, किसी मजहब में बटे होंगे, ये मासूम बच्चे हैं, इनको चिंता किसानों की है, 12 से ज्यादा लोग की मौत हो चुकी है, बच्चे आंदोलन में आए हैं, समझिए सरकार, लोग ठीक कह रहे हैं कि आपके बच्चे नहीं है। धर्म से पहले भाईचारा होता है, मुझे ऐसा लगता है, हमें एक दूसरे के बारे आपका में। आपका प्रधानमंत्री कच्छ में जाके छुट्टियां मना रहा है, ऐसे बूढ़े मोदी तैसे बूढ़े बूढ़े लोग यहाँ पर आकर यहाँ पर सो रहे हैं, यहाँ पर इतना मुश्किल है, यहाँ पर तेरे को शर्म नहीं आती क्या। तू तो अपने इतने बड़े बड़े बेडों पे सोता है, इनको सड़कों पर सोना पड़ता है, तू एक दिन सो देगा ना तभी रोने लग जाएगा, शर्म नहीं आती क्या। किसान एकता, किसान एकता। अगर आपका आंखों का पानी नहीं मरा है तो इन किसानों का समर्थन कीजिए, अपने घरों से निकलिए। मैं सही कह रहा हूँ, किसान नहीं रहेगा तो हमारे आपके पेट में दाना भी नहीं पहुँचेगा। ये लड़ाई किसानों की नहीं है, ये लड़ाई निजीकरण के खिलाफ है। जिस तरह से इनकी ज़मीनें छीनी जा रही है, पहले रेल बेच दिया गया, फिर भेल बेच दिया गया, सेल बेच दिया गया, जहाज बेच दिया गया, इस देश को पता नहीं कहाँ ले जाए। लेकिन मुझे उम्मीदें हैं, मैं बहुत उम्मीद से हूँ कि इस देश में संविधान है। किसान की मक्की 8 रुपए किलो लेके, 800 रुपए क्विंटल लेके, उसका आटा 100 रुपए क्विंटल बेचा जा रहा है।